मित्रों, मनुष्य हो देवता या फिर असुर, काम वासना हर किसी के अंदर होती है। बस अंतर इतना है कि कोई इससे दिन रात घिरा रहता है तो कोई अपने मन को मारकर खुद को इससे दूर रखता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कामदेव, जो आज जगत के हर प्राणी के मन में जगह बना चुके हैं, उन्हें भगवान शिव ने एक बार भस्म कर दिया था। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि भोलेनाथ ने कैसे अपनी काम वासना को वश में किया और कैसे आप भी काम वासना पर काबू पा सकते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। जिस कामदेव के बाण तीनों लोकों में कभी विफल नहीं हुए, जिनकी काम वासना में फंसकर राजा ययाति ने अपने पुत्र की ही जवानी छीन ली थी और जिसके कारण देवराज इंद्र को कई बार श्राप तक मिल चुका है, उस कामदेव ने एक बार भगवान शिव को भी अपने वश में करने का प्रयास किया था। मित्रों, भगवान शिव और कामदेव की इस कथा का वर्णन हमें शिव स्त्रोत में मिलता है, जिसके अनुसार कामदेव अपने बाणों से सभी को काम वासना से घेर रहे थे। क्या मनुष्य असुर और क्या देवता, वो सभी पर काम वासना के तीर छोड़ रहे थे। इसी बीच वो कैलाश जा पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ को ध्यान में लीन पाया। कामदेव ने भोलेनाथ को एक साधारण देवता समझने की भूल की और उन्हें भी अपनी काम वासना में जकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत कामदेव एक वृक्ष के पीछे छिप गए, जहां से उन्होंने काम वासना का बाण भगवान शिव की ओर छोड़ दिया। ये बाण सीधा भोलेनाथ के हृदय पर जा लगा। कुछ देर तो भोलेनाथ ध्यान में ही लीन रहे, लेकिन जब काम ने उनके शरीर में प्रवेश करना शुरू किया तो उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। भोलेनाथ जानते थे कि वृक्ष के पीछे छिपकर कामदेव ने ही उन पर बाण चलाया है। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकलने वाली प्रचंड अग्नि ने वृक्ष के पीछे खड़े कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद कामदेव की राख को भोलेनाथ ने अपने पूरे शरीर पर मल लिया और इस तरह उन्होंने अपनी काम वासना को समाप्त कर दिया। मित्रों, भले ही इस कथा में ये बताया गया है कि भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन इसका असली अर्थ ये है कि भगवान शिव के अंदर भी काम वासना जाग रही थी, जिसे उन्होंने अपने तीसरे नेत्र, जो कि विवेक का प्रतीक है, उससे काम वासना को देखा और अपनी योगाग्नि से काम को भस्म कर दिया, अर्थात मिटा दिया। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, विवेक जागृत होता है, तो हमारे लिए काम का कोई महत्व नहीं रहता और इस तरह हम अपने अंदर की काम वासना को भस्म कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दूं कि वासना का अर्थ किसी के साथ संबंध बनाने मात्र से नहीं है, बल्कि वासना वो हर एक चीज है जो आपको अपूर्ण बनाती है। अगर आप किसी के बिना खुद को अधूरा समझते हैं या फिर आपके अंदर किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा है, तो ये भी एक तरह की वासना ही है, जिसे आपको खुद ही दूर करना होगा। इसके अलावा कुछ लोग मन को मारकर या फिर जोर जबरदस्ती करके भी काम वासना को खुद से दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि काम गलत चीज है। लेकिन मित्रों, काम में कोई बुराई नहीं, बुरा तो आप पर वासना का हावी होना है, क्योंकि जब ये आपके मन और दिमाग पर हावी हो जाती है तो ये क्रोध, मोह और लोभ जैसी विकृतियों से भी बहुत बुरी बन जाती है। राजा ययाति सालों तक काम वासना में लिप्त रहे, लेकिन उन्हें कभी तृप्ति नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारी इच्छाओं के आगे हम ही समाप्त हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी काम वासना मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हम ऐसे ही जीवन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि संसार में ईश्वर के अलावा ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके बिना हम अधूरे हैं। इसीलिए अगर कामना करनी ही है तो ईश्वर की करें और अपने मन से किसी भी प्रकार की लालसा या फिर वासना को निकाल बाहर फेंके। आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।